हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं आपके लिए लेडी स्कार्फ लेके आई हूँ, ये देखिए, ये जो है यहाँ से स्टार्ट होता है पट्टी से, और जो है इस तरह से जो है इसमें यहाँ पे 13 फंदे डाल के मैंने जो है 45 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बन के पट्टी बनाई है, और इनको तीन तरफ डिवाइड करके यहाँ पे फंदे इंक्रीज किए हैं। ये देखिए, इंक्रीज दोनों साइड से, और ये जो है बीच का पोर्शन बुना है मैंने, देखिए इस तरह से ये जो है फ्रंट साइड है, और ये जो है स्कार्फ की बैक साइड है, ये बीच का पोर्शन बुन के, और यहाँ पे जो है ये दोनों साइड से फंदे जो है घटाए हैं, इस तरह से कम किया है दोनों साइड से, और ये जो है इस तरह से इसकी क्लोजिंग की है। क्या आई हूँ, इसमें मैंने 13 फंदे डाले हैं, और 13 फंदे मैंने उल्टे उल्टे बुन के 45 सिलाइयाँ इस तरह से बुनी है, और ये जो है 13 फंदों में आपको 4 फंदे उल्टे लेने हैं, 5 के बीच के फंदों में आपको जो है फंदे इंक्रीज करने हैं, लास्ट के 4 फंदे भी आपको उल्टे लेने हैं। देखिए, पहला फंदा आपको इस तरह से निकालना है, और ये 2 3 4 उल्टे बुन के आपको यहाँ से एक फंदा इंक्रीज करना है, इस तरह से धागा पीछे ले जाके 2 फंदों में आपको चना बुनते डालनी है, फिर धागा आगे लेके यहाँ से नीचे से आपको फंदा इंक्रीज करना है, फिर धागा पीछे ले जाके ये सेंटर का फंदा है इसको हमें सीधा ही बुनना है, फिर धागा आगे लेके यहाँ से नीचे से आपको फंदा इंक्रीज करना है, फिर आपको चना बुनते डालनी है इस तरह से, फिर आपको धागा आगे लेके नीचे से जो है फंदा इंक्रीज करना है, और लास्ट के बचे 4 फंदों को आपने इस तरह से उल्टा बुनना है, और रॉन्ग साइड जो है आपको पूरी उल्टी बुननी है, उल्टी इस तरह से। पहला आपको फंदा ऐसे ही निकालना है, 2 3 4, अभी मेरे पास यहाँ पे बड़ा हुआ फंदा था, इसको भी उल्टा बुनना है, फिर मुझे चना बुनती के साथ नीचे से फंदा लेना है, इंक्रीज करना है, और यहाँ पे चना बुनती डालनी है, फिर मुझे धागा आगे लेके यहाँ पे जो है फंदा इंक्रीज करना है, फिर धागा पीछे लेके सेंटर के जो बड़े हुए हैं 3 फंदे, इनको मुझे सीधा बुनना है, फिर धागा आगे लेके मुझे यहाँ से फंदा इंक्रीज करना है, धागा पीछे लेके चना बुनते डालनी है, फिर धागा आगे लेके नीचे से जो है मुझे फंदा इंक्रीज करना है, और ये 5 फंदों को जो है इस तरह से बुनना है। ये आपकी राइट साइड में इस तरह से आपके चना बुनती के साथ दोनों साइड से फंदे जो है इंक्रीज होते जाएंगे इस तरह से, और रॉन्ग साइड आपको पूरी उल्टी बुननी है। अब देखिए, इस तरह से ये फंदे इंक्रीज होते गए हैं चना बुनती के साथ। अब यहाँ पे मेरे पास ये टोटल 12 फंदे हैं, जिसमें से मेरे को 10 उल्टे लेने हैं, और 2 फंदों में मेरे को चना बुनती डालनी है। ये इस तरह से जो है फंदे इंक्रीज होते जाएंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब जो है मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है मुझे फ्रंट और बैक की जो है स्कार्फ की पट्टी लेनी
चाहिए। तो ये मैंने 10 फंदे जो है पट्टी के लिए उल्टे बुनने हैं। इसके साथ मुझे 2 फंदों में चना बुनती डालनी है और फिर धागा आगे लेके चना बुनती के साथ मुझे फंदा इंक्रीज करना है, फिर धागा पीछे लेके चना बुनती डालनी है इस तरह से, फिर धागा आगे लेके मुझे यहाँ से फंदा इंक्रीज करना है और ये बीच के जो है इनको सीधा सीधा बुनना है। इस तरह से जो है आपके फंदे चना बुनती के साथ इंक्रीज होते जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से मुझे धागा आगे लेके फंदा इंक्रीज करना है, फिर धागा पीछे ले जाके चना बुनते डालनी है, फिर धागा आगे लेके नीचे से फंदा इंक्रीज करना है। जिस तरह से मैंने यहाँ 2 में चना बुनते डाली थी उसी तरह यहाँ पे भी बैक पट्टी में भी चना बुनती डालनी है और ये लास्ट के 10 फंदों को बैक की पट्टी के लिए उल्टा उल्टा बुनना है। रॉन्ग साइड आपको पूरी उल्टी ही बुननी है इस तरह से। इस तरह से ये आपको जो है फ्रंट पट्टी के 10 फंदे उल्टे बुनने हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पट्टी के साथ हमने जो है चना बुनती डाली थी। इस तरह से आपको जो है ये चना बुनती कंटिन्यू करनी है और जो यहाँ पे बड़ा हुआ फंदा था इसको भी इस तरह से सीधा ही बुनना है। फिर आपको धागा आगे लेके यहाँ पे चना बुनती के साथ फंदा इंक्रीज करना है, फिर आपको चना बुनती डालनी है, फिर धागा आगे लेके आपको जो है फंदा इंक्रीज करना है, फिर बीच के फंदों को इस तरह से सीधा बुनना है। फिर धागा आगे लेके चना बुनती के साथ आपको फंदा इंक्रीज करना है, फिर आपको चना बुनती डालनी है, फिर आपको धागा आगे लेके फंदा इंक्रीज करना है, फिर जो ये बड़ा हुआ फंदा था इसको सीधा बुनना है और फिर आपको पट्टी के साथ जो चना बुनती थी यहाँ पे चना बुनती डालनी है और ये लास्ट के 10 फंदों को आपको इस तरह से उल्टा बुनना है और रॉन्ग साइड आपकी जो है पूरी उल्टी सिलाइयां बुननी है। ये इस तरह से आपको जो है पैटर्न दिख रहा होगा। देखिए ये मैंने आपके लिए इतना बुन लिया है। ये जो मेरे 10 फंदे उल्टे थे, 10 फंदे के साथ मैंने जो है 2 फंदों में चना बुनती डाली थी और ये जो यहाँ पे बड़े हुए फंदे थे उनको भी इस तरह से जैसे बीच के फंदे सीधे बुने थे अब इनको भी सीधे सीधे बुनते जाना है।
और आपकी जो है इस तरह से ये पैटर्न दिखेगा। ये हमें सेम यहाँ पे जो है बैक साइड पे भी रिपीट करते जाना है। इस तरह से जो है आपके यहाँ पे दोनों साइड आपके फंदे इंक्रीज होते जाएंगे, और यहाँ पे बैक पे भी आपके ये दोनों साइड फंदे इंक्रीज हो रहे हैं। और ये बैक पट्टी है, बैक पट्टी के साथ आपकी चना बुनती थी, चना बुनती के साथ जो बढ़ रहे फंदे थे उनको भी अब इस तरह से सीधा सीधा बुनते जाना है। इस तरह से ये देखिए 10 फंदे मैंने जो है उल्टे बुन लिए हैं। फिर मैंने चना बुनती डाली है, फिर जो यहाँ पे बड़े हुए फंदे थे उनको सीधा बुन लिया है। फिर आपको धागा आगे लेके चना बुनती के साथ फंदा इंक्रीज करना है, फिर चना बुनती डालनी है, फिर धागा आगे लेके फंदा इंक्रीज करना है, फिर जो है ये आपको सीधे सीधे बुनते जाना है। इसके लिए जो है ये पट्टी सेम रखनी है। इस तरह से 10 फंदे बुनने हैं। इस तरह से, और मैंने ये यहाँ पे चना बुनती डाली थी और इसको इसी तरह से बुनना है। ये जो है सेम रहेगा। अब जो मुझे ये बीच का पोर्शन बुनना है इसमें मैं जो है चना बुनती से ही डिज़ाइन डालूंगी, तो उसके लिए जो है मैंने इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले मुझे 11 फंदे सीधे बुनने हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 फंदे बुनने के बाद दो फंदों पर जो है मुझे चना बुनती डालनी है। फिर जो है मुझे 20 फंदे जो है सीधे बुनने हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 20 फंदे बुनने के बाद फिर मुझे दो फंदों पे चना बुनती डालनी है इस तरह से, और फिर मुझे 20 फंदों को फिर से सीधा बुनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 20 फंदे बुन के फिर से मुझे दो फंदों पे इस तरह से चना बुनते डालनी है। फिर मुझे फिर 20 फंदे सीधे बुनने हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 20 फंदे बुनने के बाद फिर मुझे दो फंदों पे चना बुनती इस तरह से डालनी है। चना बुनती डालने के बाद फिर से मुझे 20 फंदे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 20 फंदे के बाद फिर से मुझे दो फंदों में चना बुनती डालनी है, और ये लास्ट के 2, 4, 6, 8, 10 और 2, 12। ये मेरे पास यहाँ पे 2, 12 रहे हैं तो मैं इनको ये एक जो है काम कर देती हूँ। मैंने यहाँ स्टार्टिंग में जो है 11 रखे थे यहाँ पे, तो ये एंड में भी 11 ही
रखने हैं, तो आप इनको 11 फंदों को जो है सीधा बुनना है और ये जो है ये जो बैक पट्टी है ये भी सेम एज इट इज रहेगी और ये आपको 10 फंदे जो है अब जो है देखिए ये मैंने 12 फंदे बुन लिए हैं। ये जो मैंने 11 फंदे बुने थे इनको जो है सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। 11 फंदों के बाद आपने जो है 2 फंदों पे जहाँ पे चना बुनती डाली थी उसमें अब आपको क्या करना है, एक जो है यहाँ से फंदा लेना है ये वाला और एक जो है जो जिसमें चना बुनती डाली थी उसके साथ वाला ये वाले 2 फंदे लेने हैं। अब हमने इन 2 फंदों पे इस तरह से चना बुनती डाली है। अब जिस पे मैंने 2 फंदों पे चना बुनती डाली थी उसका एक फंदा इस साइड आपको बुनना है और एक फंदा आपको इस साइड और जो ये बीच के 20 फंदे थे उनमें से एक फंदा आपको इस तरह से बुनना है। तो इस तरह से ये जो है चना बुनती है आपकी। अब ये पहले 2 पे थी अब 4 पे है, 4 फंदों पे, पहले 2 पे थी फिर 2 का हमने एक एक फंदा इसी तरह से बुनते जाना है। देखिए ये आपके बीच के फंदे जो है सीधे बुन लिए जो है इस तरह से बुन लिए। फिर यहाँ पे 2 पे चना बुनती तो एक ये वाला फंदा और एक ये वाला फंदा, तो इस पे हमने इस तरह से 1-2 चना बुनती डालनी है, फिर एक ये वाला और एक इसके साथ ये वाला, इस तरह से हमें जो है चना बुनती डालनी है और फिर ये बीच के फंदे इसी तरह से बुनने हैं। ये देखिए यहाँ पे फिर से ये धागा आगे लेके एक ये वाला फंदा और एक चना बुनती के साथ वाला फंदा और फिर एक ये वाला और एक ये वाला फंदा, इस तरह से जो है आपका ये पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा और इसी तरह से हमें आगे भी इस डिज़ाइन को ड्रॉ करना है। तो हमें धागा आगे लेके इस वाले फंदे पर और चना बुनती के साथ एक फंदे पे चना बुनती डालनी है और बीच के जो ये 2 फंदे हैं इस पे भी हमने इस तरह से चना बुनती डालनी है। लास्ट का एक फंदा ये और इसके साथ ये जो सीधा है इस पे चना बुनती इस तरह से डालनी है। अब जो है मैंने ये इतना बुन लिया है, देखिए इस तरह से ये पैटर्न बन गया है। ये जो हमारा पहला चना बुनती थी इसके बाद मैंने यहाँ 11 फंदे रखे थे, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा है तो ये हमारे पास जो है 10 चना बुनती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जो है हमें इसको क्लोज करना है, तो मैं बताती हूँ आपको, ये एक्स्ट्रा था हमारे पास। इस तरह से जो ये फर्स्ट चना बुनती है इसका ये पहला फंदा सीधा बुनना है इस तरह से। सीधा बुनने के बाद ये वाला एक फंदा इसके साथ बुनना है और ये वाला इसके साथ बुनना है और ये वाला इसके साथ बुनना है, ये वाला इसके साथ इस तरह से,
इस तरह से इस तरह से। अब जो ये लास्ट का बचा हुआ है इसको भी हमने सीधा बुनना है। ये फिर नेक्स्ट, ये जो है नेक्स्ट स्टार्ट हो गया है, फिर इसका भी ये चना बुनती के साथ वाला एक सीधा बुनना है, फिर ये वाला इसके साथ बुनना है, और ये वाला फंदा इसके साथ बुनना है, और ये वाला इसके साथ बुनना है, ये वाला इसके साथ बुनना है, इसके साथ, इसके साथ जो लास्ट वाला है इस तरह से इसको भी सीधा बुनना है। लिया था, अब जो है हम अंदर की तरफ लेना है और ये बाहर की साइड ये सीधा सीधा इस तरह से बुनना है। अब इसको जो है हम पैटर्न को क्लोज कर रहे हैं, इस तरह से है, फिर ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा और ये इसी तरह से हमें जो है फिर लास्ट में इस तरह से एक बार लेके आना है। इसी तरह से हमें पूरा बुनना है। कंप्लीट पैटर्न बुन के तैयार कर लिया है। इस तरह से ये दिखेगा। इस तरह से ये जो है बीच का पोर्शन बुनना है, इस तरह से ये दिखेगा। अब जो है जिस तरह से हमने यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज किए थे उसी तरह से अब हमें इसकी, जैसे हमने बढ़ाए थे अब हमने इसकी घटाई करनी है। ये बीच का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब घटाई करने के लिए जो है मेरे पास यहाँ तक ये जो है टोटल 35 फंदे हैं, तो 35 फंदे जो है मैं बुन लेती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसके बाद जो है ये सीधे बुनने हैं। 1, 2 ये जो है 12 फंदे हमारे पट्टी के हैं। इसके बाद जो है मेरे पास 23 फंदे बचते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 21 और ये 22 और 23। 23 के बाद जो है इस पे, इस वाले दो फंदों पे जो है, ये वाले दो फंदों पे चना बुनते डालनी है, जिस पे आपके 23 हमें यहाँ इसके बाद जो है मुझे सीधे बुनने हैं और दो पे चना बुनते डालनी है। तो अब मुझे इसकी घटाई करनी है, तो पहले मुझे ये दो फंदे 22 और 23 धागा आगे लेके इस तरह से दोनों को आगे करके घटाना है इस तरह से, फिर हमें जो है धागा पीछे लेके ये 24 और 25 दो फंदों पे चना बुनती डालनी है, और से मुझे दूसरी साइड चना बुनती के साथ दो फंदों को फिर से इस तरह से घटाना है, और ये जो है इस तरह से अब मुझे दोनों साइड से दो फंदे कम करने हैं, घटाने हैं। ये देखिए दूसरी साइड से भी आपको यहाँ पे ये 12 फंदे लेने हैं, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 फंदे आपको
लेने हैं। टोटल जो है मेरे ये 35 फंदे हो गए हैं। 36 सेंती पे आपको जो है चना बुंदी डालनी है। 38-39 पे आपको जो है दोनों साइड से इस तरह से ये आपको दो फंदे जो है कम करने हैं, घटाने हैं। इस पे जो है आपको चना बुंदी डालनी है। इस साइड से भी आपको जो है दो फंदे घटाने हैं इस तरह से। चना बुंदी के इस साइड दो, चना बुंदी के इस साइड दो जो है आपको घटाने हैं। मैं नेक्स्ट लाइन में फिर से बता रही हूँ, इस तरह से ये बुन के चना बुंदी के साथ ये दो फंदे घटाने हैं और ये चना बुंदी डालनी है और ये जो है फिर से ये जो है दो फंदे हमें कम करने हैं धागा आगे लेके। अब ये जो है मैंने इस तरह से इसको फंदों को जो है कम कर दिया था, जिस तरह से बढ़ाया था उसी तरह से मैंने इसको कम कर दिया है। दोनों साइड से दो दो फंदे लेके करके दोनों साइड से इस तरह से क्लोज कर दिया है और ये जो है मैंने 13 फंदे रखे हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने 13 फंदे बुने थे, इसी तरह से आपको जो है लंबी सी पट्टी बना के इसको भी क्लोज कर देना है। देखिए स्कार्फ जो है इस तरह से आपको जो इसकी फंदे जो है दो दो फंदे करके आपको यहाँ से मैंने जो है ये बढ़ाए थे और ये देखिए इस तरह से ये बड़े हुए फंदे हैं और ये घटे हुए फंदे हैं। इस स्कार्फ जो है मैंने ये पट्टी बुन के कंप्लीट कर दिया है और इस तरह से जो है इसकी क्लोजिंग कर दी है और ये जो है स्कार्फ कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इस तरह से